फिर दूसरी बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरा यूपी भूकंप के झटकों से कांप गया। एक बार फिर लोग डर से घर के बाहर निकल आए। देखिए ये रिपोर्ट। तीन दिन में दूसरी बार भूकंप। दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। देखिए इन तस्वीरों को। अचानक पंखे हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। आज आया भूकंप टेंशन पैदा कर रहा, क्योंकि पिछले शुक्रवार को रात 11:30 बजे के करीब नेपाल में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। उसके झटके दिल्ली नोएडा तक महसूस किए गए। इस भूकंप से नेपाल में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए। नेपाल में शनिवार को 4.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ बड़े बड़े भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊर्जा बाहर निकलती है, जो उथल पुथल पैदा होती है और वह भूकंप के रूप में हमारे सामने आती। नेपाल में बार बार भूकंप आने और दिल्ली तक महसूस होने की यही वजह है। नेपाल दुनिया के उन सबसे खतरनाक क्षेत्रों में है जहां टेक्टोनिक प्लेटें सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में हैं, जिसका असर उत्तर भारत में होता है। 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने का मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे इमारतें गिर सकती हैं, नींव दरक सकती है और नुकसान हो सकता है। 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप आने से लोग हैरान हैं और भूकंप देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।